शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ए इधर आ, समझ गए ना? चलो अब तुम दोनों चालू हो जाओ। हाँ शाबाश। दीदी कौन? नमस्ते, मेरा नाम मीना है, मैं पड़ोस के मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप हर जरूरतमंद लड़की की मदद करती हैं, इसलिए मैं आपके पास आई। क्या मांगता है तेरे को? कल मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली है, वहाँ के मालिक ने शर्त रखी है कि मैं उनकी रातें रंगीन करूँ, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। साला, नौकरी से निकालेगा? एक काम करते हैं, कल मैं तेरी कंपनी में नौकरी के लिए आती हूँ, फिर तेरे मालिक की रातें ही नहीं, सुबह दोपहर शाम अगर रंगीन नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम दुर्गा नहीं है। थैंक यू दीदी, मैं सुबह आपको लेने आऊंगी। दीदी दीदी दीदी। अरे शन्नो, क्या हुआ? तू पसीना पसीना क्यों हो रही? दीदी, पास में जो गुंडे लोग बैठे हैं, उन्होंने मेरा आना जाना मुश्किल कर दिया। मुझे आंख मारते हैं, मुझे छेड़ते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं। अच्छा, मैं उनकी गंदी गंदी बातें सुन के आती हूँ, तू यही बैठ। लड़कियों चलो मेरे साथ। फेंक गया जल्दी। क्या फेंका इसने? इस छक्के ने छक्का फेंक दिया। चल तू भी डाल। वाह वाह, ऐसा लगता है परियां धरती पे उतर आई है। तो गुरु हो जाए हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया। हाँ क्यों बे, लड़कियों के साथ बंकस करता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर माशुका नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, एक दूसरे की बहनों को माशुका बना ले, अपनी बहन इसको दे दे, इसकी बहन तू ले ले। सरे, बात तेज जबान चलाती है। शाणे, हाथ जवान से भी तेज चलता है। पहचानते हो इसे? हाँ। आज से ये तुम सारों की बहन है, चलो पैर छूकर माफी मांगो। चल 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 चल, पैर छू पैर छू, चलो खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो, अपना अपना खीसा खाली करो अभी। ये माल निकल, इतना है क्या साला? एक एक दो दो रुपया कचरा का पेटी से निकाल के लाया क्या कड़का साला? मालूम ये मेरा टैक्स है जो मैं लड़कियों से बंकस करने वाले छोकरों से लेती हूँ। क्या क्या दो दो एक एक रुपए के लिए इतना कट्टर पट्टर करते तुम लोग, कड़का पार्टी कहीं का इतना पैसा? ए, ए, क्या हो रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है? हवलदार राम सिंह जी आइए आइए। ये भीड़ किस बात की है इधर? कमाल है भीड़, ये तो बहनों से मिलने भाई आए हैं। आए? हाँ। बेचारे की चांद मारी कर रखी है, बहनों से भाई मिलने आए हैं, बेचारे की शक्ल बिगाड़ दी। हाँ। कहाँ? पुलिस चौके। मेरा जुर्म? इनकी पिटाई। सबूत? इनकी चोटें। चोटें? ये चोटें मैंने थोड़ी ना लगाई हैं। मेरे भाइयों, जरा हवलदार साहब को तो बताना तुम्हें ये चोटें कैसे लगी। वो हवलदार साहब, ऐसा हुआ ना कि हम लोग साइकिल पर डबल सवारी आ रहे थे और सामने से घोड़ा गाड़ी आ गई, घोड़े ने लात मारी और यालत हो गई हमारी। दुलतियां घोड़ियों से खाई, नाम घोड़ों का बदनाम कर रहे हो, क्या जमाना आ गया है। इधर आओ, आज तो तुम सबूत गोल कर गई, और जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, उस दिन ऐसा अंदर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। गैर कानूनी काम करने वालों के लिए मैं कसाई हूँ, कसाई। तुम बहुत अच्छे हो, तुम
कसाई नहीं हो? हलवाई हूँ, तुम्हें रस मिलाई खिलाऊंगा। नेवर, आई विल पुट यू इनटू खटमल वाला लॉकअप। लेकिन होना तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चाहिए, ताकि सुबह शाम तुम्हें देख तो सकूंगी। ये बड़ी बेशर्म लड़की हो। लो, जरा सा पास आ गई तो मैं बेशरम हो गई। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने कुछ कहा था? तुम्हारा हाथ मैंने पुलिस चौकी ले जाने के लिए पकड़ा था। घर ले जाने के लिए कब पकड़ोगे? अरे बा, ये तो ऊपर ही चढ़ती आ रही है। राम सिंह, इससे पहले के लेने के देने पड़ जाए, निकल ले यहाँ से। हट, हट, टच मी नॉट माई साइकिल। अब हम लोग घर जाए। ये चल, दुर्गा, दुर्गा, क्या है? अस्पताल से खबर आई है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? डॉक्टर, सुबह तक तो तबीयत ठीक थी, लेकिन दिन में अचानक दर्द बढ़ गया। वैसे मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये ठीक नहीं हो सकती। तो ऑपरेशन कर दो ना डॉक्टर, इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। और अगर इसे कुछ हो गया ना, तो भगवान की सौगंध, मैं जी नहीं सकूंगी, नहीं जी सकूंगी मैं। हिम्मत से काम लो दुर्गा, ऑपरेशन का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तुम पैसों का इंतजाम कर लो। कितने पैसे लग जाएंगे डॉक्टर? करीब 10,000। 10,000? ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे चोर 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 चोर, अरे पकड़ो भाया पकड़ो, एक छोरी मारा 10,000 रुपया लेके भाग रही है। अरे पकड़ो, चोर चोर चोर, अरे चोर, अरे चोर चोर, अरे भाया। वारी दुर्गा, आज नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग रही है चोरी करके? हाँ, छोड़ना नहीं। पहले तो दादागिरी करती थी, अब चोरी भी शुरू कर दी। अरे छोड़, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ हवलदार साहब, ये झूठ बोले हैं, पगड़ी उतार के ये जबरदस्ती से मारो 10,000 रुपये छीन के निकले हैं। ये झूठ बोलता है, मैंने कुछ छीना वीना नहीं है, मैंने ये रुपए उधार लिए। तो कोई रिजर्व बैंक है पगड़ी उतार के, जो मैं इसको 10,000 रुपये उधार दे दूंगा? देखो हवलदार साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 10,000 की जरूरत थी, मैंने इससे उधार मांगे, इससे मुझे दिए नहीं तो मैंने छीन लिए। तो तुम मानती हो कि तुमने इससे रुपए छीने? हाँ मानती हूँ रुपए छीने, लेकिन हवलदार साहब जल्द से जल्द मैं ये रुपए से वापस लौटा दूंगी। अच्छा, हाँ। जी डाका मार के लौटा दोगी? चलाओ थाने। अरे चलो, मेरी बात चल। चंदू जी साहब, सेठ की रिपोर्ट लिखो। अच्छा साहब, और ये रुपए जमा करो। अच्छा साहब, और तुम चलो अंदर। हवलदार साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी माँ सचमुच बहुत बीमार है, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कूपर हॉस्पिटल में देख लीजिए। अरे तू अंदर चल, दो अंदर आएगी तो सब बाल निकल जाएंगे, बंद करो। हवलदार राम सिंह, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो माँ की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हर जुर्म करने वाला यही बोलता है जो तुम बोल रही हो, बंद कर दो, करो बंद।